हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 मैंने पिछले वीडियो में बता दिया थे। तो ये मेरा चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का, क्लास 9th का, एक्सरसाइज 2.5, ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 15 मेरा है कि मुझे एक इक्वेशन दे रखी है एरिया की 25a² माइनस का 35an प्लस में 12, और बोला गया है कि इस इक्वेशन से मुझे ये रेक्टेंगल का एरिया है और इसकी हेल्प से मुझे लेंथ और ब्रेथ बतानी है, ठीक है फ्रेंड, इस इक्वेशन की हेल्प से। अब इसकी इक्वेशन की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, लेंथ एंड ब्रेथ। जिसको करने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले हमें इसे फैक्टर करने पड़ेंगे, फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट डिजिट के साथ, तो 25 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 के साथ, तो मेरा आंसर आएगा 300। फ्रेंड, मुझे दो नंबर ऐसे बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 300 आए और प्लस माइनस करने पे कितना है, 15 आए। तो मैंने क्या लिखा कि 25a² माइनस 35 को मैंने दो पेयर में तोड़ दिया, माइनस का 20a एंड माइनस का 15a और लास्ट का डिजिट एज इट इज। अब देखो, माइनस का 20a में माइनस का 15 करोगे तो कितना आएगा, 35a, दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो फ्रेंड, इसको एक साथ ले लेंगे, इनको एक साथ ले लेंगे, दोनों में डिवाइड जा रहा है 5a का, 5 में इसका डिवाइड 5 5 25, इसके पास a दो है, एक बाहर ले लिया एक अंदर आ गया, 5 4 20, a था बाहर आ गया। फ्रेंड, जब भी यहाँ माइनस हो हम माइनस को कॉमन लेंगे, दोनों में डिवाइड जा रहा 3 का, 3 5 15, जब माइनस बाहर लेंगे तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, 3 4 12। फ्रेंड, ये दोनों टर्म हमेशा एक जैसी आएंगी, इनको हमें एक साथ रखना है और इन दोनों टर्म को हमें एक साथ रखना है, 5a माइनस में 3। तो एरिया चल रहा था मेरा, ये एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो फ्रेंड, मेरी जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, 5a माइनस का 4 यूनिट, और जो चौड़ाई है, ठीक है, यानी कि ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 5a माइनस का 3 यूनिट, ठीक है फ्रेंड। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं हम। फिर से हमें एरिया दे रखा है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू 35y² प्लस 13y माइनस में 12, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका सेकंड पार्ट ये है जिसका मुझे एरिया गिवन है, ठीक है। अब इसके भी हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट डिजिट को लास्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, 35y² को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 के साथ, तो ये आंसर आएगा मेरा माइनस का 420y². हमें दो डिजिट ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 420 आए और प्लस माइनस करने पे कितना आए, 13y आए। तो फ्रेंड, इसके फैक्टर बनेंगे तुम्हारे 28y एंड 15y, ठीक है फ्रेंड। 28 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 15 के साथ, तो मेरा कितना आ जाएगा, 420, और 28 में से अगर 15y माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, 13y, और माइनस 12 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ, दोनों में डिवाइड जा रहा है 7y का, 7 5 35, वाई के पास दो है, एक बाहर आ गया एक अंदर आ गया, 7 4 28, वाई कॉमन आ चुका है, दोनों में डिवाइड जा रहा माइनस के 3 का, 3 5 15, जैसे माइनस बाहर लेंगे माइनस वाला प्लस का, 3 4 12। तो फ्रेंड, ये दोनों टर्म मेरी क्या आएंगी, हमेशा सेम आएंगी, तो मैंने इनको इकट्ठा करके लिख दिया, 5y प्लस में 4 एंड इन दोनों के साथ लिख दिया 7y माइनस में 3, ठीक है फ्रेंड। ये मेरा क्या चल रहा था, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है फ्रेंड। तो मेरी जो लंबाई है, लेंथ, वो कितनी हो जाएगी, 5y प्लस में 4, और जो चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ, वो कितनी हो जाएगी, 7y माइनस में 3, पीछे यूनिट लगा लो, ठीक है फ्रेंड। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में मुझे वॉल्यूम की इक्वेशन दे रखी है फ्रेंड, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड,
यानी कि आयतन। बेसिकली आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड, वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है, अब आयतन मेरे जो मुझे दे रखा है 3x² माइनस में 12x। ठीक है फ्रेंड, तो मैं मुझे इसके फैक्टर करने कुल मिला के, मैंने इसमें से 3x का डिवाइड जा रहा कॉमन ले लिया, 3 1 3, इसके पास 2 है, एक बाहर ले लिया एक अंदर आ गया, 3 का इसमें डिवाइड देंगे 3 4 12, एक्स था बाहर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो मेरी जो लंबाई है वो मैंने कंपेयर किया तो मेरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, चौड़ाई यानी कि मेरी जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी एक्स, और हाइट, हाइट मेरी कितनी हो जाएगी एक्स माइनस में 4। ठीक है फ्रेंड, तो ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरा क्या आ जाएगा वापस वॉल्यूम आ जाएगा। ये था मेरा 16 का फर्स्ट पार्ट। 16 के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। 16 का सेकंड पार्ट है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, और मुझे दे रखा है ये वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको पहले ही बता दिया वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, जो इनमें से कॉमन आ रहा है इन सब में 4k का डिवाइड जा रहा है, 4 3 12, k का भी डिवाइड कर दिया बाहर आ चुका है, यहाँ कितना बचा y², 4 2 8, k कॉमन आ चुका बाहर, अंदर बचा 2, 4 5 20। ठीक है फ्रेंड, ये बना। अब मैं अंदर वाले टर्म के करूँगा फैक्टर। फैक्टर बनाने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए लास्ट डिजिट के साथ, कितना है माइनस का 15y², दो डिजिट ऐसे सोचे जाए मल्टीप्लाई करने पे 15 है, प्लस माइनस करने पे 2y, तो 15 का तो क्या होगा 5 3 15 हो जाएगा फैक्टर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 3y² माइनस, प्लस का 2k चाहिए तो मैंने लिखा 5y माइनस में 3y माइनस का 5, यानी 5 में से 3 जाए कितना बचेगा 2, और मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो फैक्टर बन गया इसके 4k। इन दोनों के साथ दोनों में y कॉमन आ रहा है, 3y² है, एक y बाहर आ गया एक अंदर आ गया, y बाहर आ गया कितना बच गया 5, दोनों में किसी का भी डिवाइड नहीं जा रहा तो 1 को ले लो, और जब भी हाँ माइनस हो तो माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस वाला प्लस का, माइनस वाला प्लस का, दोनों में किसी का डिवाइड नहीं जा रहा 1 ले लिया, यहाँ कितना बच गया सॉरी 3y प्लस का 5। तो फ्रेंड ये दोनों टर्म हमेशा एक जैसे आएंगे, इन दोनों को एक साथ ले लिया 3y प्लस 5, और इनको एक साथ ले लिया y माइनस का 1, और ये बाहर चले जा 4k। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैंने इनके साथ इनको कंपेयर किया तो लंबाई मेरी कितनी आ गई 4k, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ कितनी आ गई 3y प्लस में 5, और हाइट, हाइट यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई मेरी कितनी आ गई y माइनस में 1। ठीक है फ्रेंड, लंबाई चौड़ाई एंड हाइट, और क्वेश्चन में मुझे यही पूछा था। तो फ्रेंड वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फ्रेंड आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।